एवरीवन, दिस इज एडवोकेट अर्पिता शुक्ला। वेलकम टू योर चैनल टारगेट फॉर आईक्यू। इस वीडियो में हम सीआरपीसी के क्वेश्चंस को कवर करेंगे, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन देखेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉन बिलेबल ऑफेंस? ए, इट मीन्स एनी अदर ऑफेंस अदर देन बिलेबल। बी, इन नॉन बिलेबल ऑफेंस द बेल इज नॉट अ राइट। सी, द बेल इज द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट। एंड डी, ऑल ऑफ द अबव। तो फर्स्ट का ऑप्शन हमारा डी करेक्ट है, ठीक है? सेकेंड देखेंगे। ऑल ऑफेंसेज अंडर द आईपीसी शैल बी इन्वेस्टिगेटेड, इंक्वायर्ड इनटू, ट्राइड एंड अदरवाइज डील विद अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ ए द सीआरपीसी 1973, बी द सीआरपीसी 1898, सी द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर अमेंडमेंट एक्ट 2005, एंड डी द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर अमेंडमेंट एक्ट 2006। तो सेकेंड का ऑप्शन हमारा ए करेक्ट है। थर्ड देखेंगे। वॉट इज टू बी अंडरस्टूड वैन एनी रेफरेंस इज मेड टू अ मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास इन रिलेशन टू अ मेट्रोपोलिटन एरिया? ए, इट शुड बी कॉन्स्टिट्यूटेड एज अ चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट। बी, इट शुड बी कॉन्स्टिट्यूटेड एज मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट। सी, इट शुड बी कॉन्स्टिट्यूटेड एज एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट। एंड डी, ऑल ऑफ द अबव। तो थर्ड का ऑप्शन हमारा बी करेक्ट है। फोर्थ देखेंगे। कैन एन असिस्टेंट जज डिस्पोज अर्जेंट एप्लीकेशन? ए, ही कैनॉट। बी, ही कैन डिस्पोज इफ ही इज ऑथोराइज बाय द सेशन जज इन द इवेंट ऑफ हिज ऑप्शंस और इनएबिलिटी टू एक्ट। सी, ही कैन डिस्पोज बेल एप्लीकेशन अदर देन मर्डर केसेज। एंड डी, नन ऑफ द अबव। तो फोर्थ का ऑप्शन हमारा बी करेक्ट है। फिफ्थ देखेंगे। वेन कैन अ जुडिशियल फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट ट्राई द ऑफेंस फॉर विच इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ इज प्रिस्क्राइब? ए, नो। बी, आई कैन इफ सच ऑफेंस इज शोन इन द फर्स्ट स्केड्यूल टू बी ट्राइबल बाय सच कोर्ट। सी, ओनली सेशन कोर्ट कैन ट्राई दोज ऑफेंसेज। एंड डी, नन ऑफ द अबव। तो फिफ्थ का ऑप्शन हमारा बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर सिक्स देखेंगे। व्हाट सेंटेंस कैन बी पास बाय द कोर्ट ऑफ अ मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास? ए, ही में पास सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट नॉट एक्सीडिंग वन ईयर। बी, ही में पास सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट नॉट एक्सीडिंग टू ईयर। सी, ही में पास सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट नॉट एक्सीडिंग थ्री ईयर्स। एंड डी, नन ऑफ द अबव। तो सिक्स का ऑप्शन हमारा ए करेक्ट है। सेवन देखेंगे। वेन अ पर्सन इज बाउंड टू हेल्प इन द एग्जीक्यूशन ऑफ अ वॉरेंट? ए, इफ द पर्सन टू हुम द वॉरेंट इज डायरेक्टेड इज नियर बाई एंड ट्राइंग टू एग्जीक्यूट द वॉरेंट। बी, ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द पर्सन ही हैज टू असिस्ट बाई गोइंग टू अनदर प्लेस। सी, इन एवरी पर्सन इज बाउंड टू असिस्ट द पर्सन एग्जीक्यूटिंग वॉरेंट एनीवेयर इन इंडिया। डी, नन ऑफ द अबव। तो सेवंथ का ऑप्शन हमारा ए इज करेक्ट। एट देखेंगे। द मजिस्ट्रेट हैविंग जुरिसडिक्शन में डायरेक्ट द पर्सन सो अरेस्टेड टू सब्जेक्ट हिमसेल्फ टू आइडेंटिफिकेशन बाय एनी पर्सन। ए, व्हेन इज आइडेंटिफिकेशन इज कंसिडर्ड नेसेसरी फॉर द पर्पज ऑफ इन्वेस्टिगेशन। बी, ही कैनॉट डायरेक्ट सच आइडेंटिफिकेशन। सी, इट इज द ड्यूटी ऑफ द पुलिस हु आइडेंटिफाइड। डी, नन ऑफ द अबव। तो एट्थ का ऑप्शन हमारा ए करेक्ट है। नाइन देखेंगे। कैन अ डिप्यूटेड ऑफिसर अंडर सेक्शन 55 ऑफ सीआरपीसी मस्ट शोन द ऑर्डर टू द अरेस्टी? ए, ही मस्ट बिफोर मेकिंग द अरेस्ट इन्फॉर्म द पर्सन टू बी अरेस्टेड द सब्सटेंस ऑफ द ऑर्डर। बी, एंड शुड शो द ऑर्डर इफ रिक्वेस्टेड बाय द अरेस्टी। सी, ए एंड बी। डी, नन ऑफ द अबव। तो नाइन्थ का ऑप्शन हमारा सी करेक्ट है। टेन देखेंगे। इफ द प्रॉपर्टी ऑर्डर टू बी अटैच इज अ डेट और मूवेबल प्रॉपर्टी देन द अटैचमेंट कैन बी मेड। ए, बाय सीजर। बी, बाय अपॉइंटमेंट ऑफ अ रिसीवर। सी, बाय ऑर्डर इन राइटिंग प्रोहिबिटिंग द डिलीवरी ऑफ सच प्रॉपर्टी टू द प्रोक्लेम पर्सन और टू एनी वन ऑफ हिज बिहाफ और बाय ऑल और एनी टू ऑफ सच मेथड्स। एंड डी, ऑल ऑफ द अबव। तो टेंथ का ऑप्शन हमारा डी करेक्ट है। इलेवन देखेंगे। चार्ज मीन्स इन ए इंक्लूड्स एनी हेड ऑफ चार्ज व्हेन द चार्ज कंटेन्स। बी, इंक्लूड्स एनी हेड ऑफ चार्ज व्हेन द चार्ज कंटेन्स मोर हेड देन वन। सी, बोथ ए एंड बी। डी, इंक्लूड्स एनी हेड ऑफ चार्ज व्हेन द चार्ज कंटेन्स वन हेड्स। तो इलेवंथ का ऑप्शन हमारा बी करेक्ट है। ट्वेल्थ देखेंगे। कंप्लेंट्स मीन्स ए एनी एलिगेशन मेड इन राइटिंग टू अ मजिस्ट्रेट विद अ व्यू टू हिज टेकिंग एक्शन अंडर दिस कोर्ट दैट सम पर्सन वेदर नोन और अननोन हैज कमिटेड एन ऑफेंस बट डज इंक्लूड अ पुलिस रिपोर्ट। बी, एनी एलिगेशन मेड अ मजिस्ट्रेट विद अ व्यू टू हिज टेकिंग एक्शन अंडर दिस कोर्ट दैट सम पर्सन वेदर हैज कमिटेड एन ऑफेंस बट डज नॉट इंक्लूड पुलिस रिपोर्ट। सी, एनी एलिगेशन मेड ओरली और इन राइटिंग टू अ मजिस्ट्रेट विद अ व्यू टू हिज टेकिंग एक्शन अंडर दिस कोर्ट दैट सम पर्सन वेदर नोन और अननोन हैज कमिटेड एन ऑफेंस बट डज इंक्लूड अ पुलिस रिपोर्ट। एंड डी, नन ऑफ द अबव। तो ट्वेल्थ का ऑप्शन हमारा सी करेक्ट है। थर्टीन देखेंगे। Which of the following section deals with the direction of warrant for execution? A, section 416 of CRPC, B, section 417, C, section 418 and D, section 419. तो D का ऑप्शन हमारा 13 का ऑप्शन हमारा D करेक्ट है।
14 देखेंगे ऑर्डर टू रिलीज ऑन प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट और आफ्टर एडमोनिशन इज कवर्ड अंडर ए सेक्शन 359 ऑफ सीआरपीसी, बी सेक्शन 360 ऑफ सीआरपीसी, सी सेक्शन 361 ऑफ सीआरपीसी, डी सेक्शन 362 ऑफ सीआरपीसी। तो 14 का ऑप्शन हमारा बी करेक्ट है। 15 देखेंगे पावर्स टू एग्जामिन द एक्यूज कम्स अंडर ए सेक्शन 313 ऑफ सीआरपीसी, बी सेक्शन 314 ऑफ सीआरपीसी, सी सेक्शन 315 ऑफ सीआरपीसी, डी सेक्शन 316 ऑफ सीआरपीसी। 15 का ऑप्शन ए करेक्ट है। 16 देखेंगे पावर ऑफ हाई कोर्ट टू कंफर्म सेंटेंस और एनएल कन्विक्शन ए सेक्शन 366 ऑफ सीआरपीसी, बी सेक्शन 367 ऑफ सीआरपीसी, सी सेक्शन 368 ऑफ सीआरपीसी, डी सेक्शन 369 ऑफ सीआरपीसी। तो 16 का ऑप्शन हमारा सी करेक्ट है। 17 देखेंगे कंप्लेंट्स टू मजिस्ट्रेट कंटेंड इन ए चैप्टर 13 ऑफ सीआरपीसी, बी चैप्टर 14 ऑफ सीआरपीसी, सी चैप्टर 15 ऑफ सीआरपीसी, डी चैप्टर 16 ऑफ सीआरपीसी। तो 17 का ऑप्शन हमारा सी करेक्ट है। 18 देखेंगे एक्विटल और कन्विक्शन कम्स अंडर ए सेक्शन 247 ऑफ सीआरपीसी, बी सेक्शन 248 ऑफ सीआरपीसी, सी सेक्शन 249 ऑफ सीआरपीसी एंड डी सेक्शन 250 ऑफ सीआरपीसी। तो 18 का ऑप्शन हमारा बी इज करेक्ट। 19 देखेंगे ट्रायल ऑफ समन केसेस बाय मजिस्ट्रेट कंटेंड इन ए चैप्टर 19 ऑफ सीआरपीसी, बी चैप्टर 20 ऑफ सीआरपीसी, सी चैप्टर 21 ऑफ सीआरपीसी, डी चैप्टर 21 ए ऑफ सीआरपीसी। तो 19 का ऑप्शन हमारा बी करेक्ट है, चैप्टर 20 ऑफ सीआरपीसी। 20 देखेंगे एप्लीकेशन फॉर प्ली बार्गेनिंग इज डील अंडर ए सेक्शन 265 ए ऑफ सीआरपीसी, बी सेक्शन 265 बी ऑफ सीआरपीसी, सी सेक्शन 265 सी ऑफ सीआरपीसी एंड डी सेक्शन 265 डी ऑफ सीआरपीसी। तो 20 का ऑप्शन हमारा बी करेक्ट है, सेक्शन 265 बी ऑफ सीआरपीसी। 21 देखेंगे वारंट केस मींस ए एन ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रीजनमेंट फॉर लाइफ, बी एन ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ, सी एन ऑफेंस इम्प्रीजनमेंट फॉर अ टर्म एक्सीडिंग टू ईयर्स एंड डी ऑल ऑफ द अबव। तो 21 का ऑप्शन हमारा डी करेक्ट है, ऑल ऑफ द अबव। 22 देखेंगे एडिशनल सेशन जज अपॉइंटेड बाय ए द सुप्रीम कोर्ट, बी द हाई कोर्ट, सी स्टेट गवर्नमेंट, डी नन ऑफ द अबव। तो 22 का ऑप्शन हमारा डी करेक्ट है, सॉरी 22 का ऑप्शन हमारा बी करेक्ट है, हाई कोर्ट। 23 देखेंगे द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ कोर्ट ऑफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट शैल बी अपॉइंटेड बाय ए स्टेट गवर्नमेंट, बी हाई कोर्ट, सी सुप्रीम कोर्ट, डी नन ऑफ द अबव। तो 23 का ऑप्शन हमारा बी करेक्ट है, द हाई कोर्ट। 24 देखेंगे फॉर एवरी हाई कोर्ट डैश हेल्प अपॉइंट अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर ए सेंट्रल गवर्नमेंट, बी स्टेट गवर्नमेंट, सी बोथ ए एंड बी, डी नन ऑफ द अबव। तो 24 का ऑप्शन हमारा सी करेक्ट है, बोथ ए एंड बी। 25 देखते हैं अपियरेंस बाय पब्लिक प्रोसिक्यूटर कम्स अंडर ए सेक्शन 301 ऑफ सीआरपीसी, बी सेक्शन 302 ऑफ सीआरपीसी, सी सेक्शन 303 ऑफ सीआरपीसी एंड डी सेक्शन 304 ऑफ सीआरपीसी। तो 25 का ऑप्शन हमारा ए करेक्ट है, सेक्शन 301 ऑफ सीआरपीसी। 26 देखते हैं द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर केम इन टू फोर्स ऑन ए 10th October 1977, बी 19th November 1973, सी 1st April 1974, डी 1st January 1972। तो 26 का ऑप्शन सी करेक्ट है। 27 देखते हैं द टर्म कॉग्निजेबल ऑफेंस इज डिफाइंड अंडर ए सेक्शन 2F ऑफ सीआरपीसी, बी सेक्शन 2B ऑफ सीआरपीसी, सी सेक्शन 2C ऑफ सीआरपीसी एंड डी सेक्शन 2D ऑफ सीआरपीसी। तो 27 का ऑप्शन हमारा सी करेक्ट है, सेक्शन 2 सब क्लॉज सी ऑफ सीआरपीसी। 28 देखेंगे विच सेक्शन ऑफ सीआरपीसी 1973 डील्स विद व्हेन पुलिस में अरेस्ट विदाउट वारंट ए सेक्शन 46 ऑफ सीआरपीसी, बी सेक्शन 41 ऑफ सीआरपीसी, सी सेक्शन 45 ऑफ सीआरपीसी, डी सेक्शन 20 ऑफ सीआरपीसी। तो 28 का ऑप्शन हमारा बी करेक्ट है। 29 देखेंगे सेक्शन 61 ऑफ सीआरपीसी 1973 डील्स विद ए सर्विस ऑफ समन आउटसाइड लोकल लिमिट्स, बी फॉर्म ऑफ समन, सी सर्विस ऑफ समन ऑन विटनेस बाय पोस्ट, डी समन हाउ सर्व्ड। तो 29 का ऑप्शन हमारा बी करेक्ट है, फॉर्म ऑफ समन। 30 देखेंगे विद सेक्शन ऑफ सीआरपीसी 1973 डील्स विद डिस्चार्ज ए सेक्शन 246 ऑफ सीआरपीसी, बी सेक्शन 227 ऑफ सीआरपीसी, सी सेक्शन 245 ऑफ सीआरपीसी, डी सेक्शन 220 ऑफ सीआरपीसी। तो 30 का ऑप्शन बी है।
विच सेक्शन ऑफ सीआरपीसी 1973 डील्स विद सेंटेंसेज दैट हाई कोर्ट एंड सेशन जज में पास? ए सेक्शन 27 ऑफ सीआरपीसी, बी सेक्शन 24 ऑफ सीआरपीसी, सी सेक्शन 28 ऑफ सीआरपीसी, डी सेक्शन 29 ऑफ सीआरपीसी। तो 31 का ऑप्शन सी करेक्ट है। 32 देखेंगे। सेक्शन 12 ऑफ सीआरपीसी 1973 डील्स विद ए सीजेएम चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट एंड एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, बी मोड ऑफ कन्फरिंग पावर, सी कोर्ट्स बाय विच ऑफेंस आर ट्राइबल, डी विड्रॉल ऑफ पावर्स। तो 32 का ऑप्शन ए करेक्ट है, सीजेएम एंड ए सीजेएम। 33 देखेंगे। विच सेक्शन ऑफ सीआरपीसी 1973 डील्स विद व्हेन पुलिस में अरेस्ट विदाउट वारंट? ए सेक्शन 47 ऑफ सीआरपीसी, बी सेक्शन 41 ऑफ सीआरपीसी, सी सेक्शन 42 ऑफ सीआरपीसी एंड डी सेक्शन 46 ऑफ सीआरपीसी। तो 33 का ऑप्शन बी करेक्ट है, 41 ऑफ सीआरपीसी। 34 देखेंगे। विच सेक्शन ऑफ सीआरपीसी 1973 डील्स विद पब्लिक व्हेन टू असिस्ट मजिस्ट्रेट एंड पुलिस? ए सेक्शन 37 ऑफ सीआरपीसी, बी सेक्शन 31 ऑफ सीआरपीसी, सी सेक्शन 32 ऑफ सीआरपीसी, डी सेक्शन 36 ऑफ सीआरपीसी। तो 34 का ऑप्शन ए करेक्ट है, सेक्शन 37 ऑफ सीआरपीसी। 35 देखेंगे। अंडर विच सेक्शन ऑफ सीआरपीसी अ पर्सन हु इज अवॉइडिंग एग्जीक्यूशन ऑफ अ वारंट मे बी प्रोक्लेम्ड एब्सकॉन्डर? ए सेक्शन 81, बी सेक्शन 83, सी सेक्शन 82 एंड डी सेक्शन 84। तो 35 का ऑप्शन सी करेक्ट है, सेक्शन 82। 35 का ऑप्शन हमारा सी करेक्ट है, सॉरी। 36 देखेंगे। अ समन इश्यूड बाय अ कोर्ट मस्ट बी इन ए डुप्लीकेट, बी ट्रिप्लीकेट, सी राइटिंग एंड डुप्लीकेट, डी राइटिंग एंड ट्रिप्लीकेट। तो 36 का ऑप्शन हमारा सी करेक्ट है, राइटिंग एंड डुप्लीकेट। 37 देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग डील्स विद द प्रोसीजर वेर कोर्ट कंसिडर दैट केस शुड नॉट बी डील विद अंडर सेक्शन 345 ऑफ सीआरपीसी? ए सेक्शन 339, बी सेक्शन 287, सी सेक्शन 388 एंड डी सेक्शन 346। तो 37th का ऑप्शन हमारा डी करेक्ट है। 38 देखेंगे। एन एलिजिटिमेट चाइल्ड हैज़ नो अदर राइट अदर देन द राइट टू क्लेम मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 125। शी एलिज दैट द रिस्पॉन्डेंट वॉज अर फादर। द क्लेम वॉज सपोर्टेड बाय द एविडेंस ऑफ द मदर एंड सेवरल अदर विलेजर्स। द बर्थ रजिस्टर शोड नेम सिमिलर टू द रिस्पॉन्डेंट्स नेम एज हर फादर। कॉलम परटेनिंग टू फादर्स नेम इन द स्कूल एडमिशन फॉर्म कैप्ट ब्लैंक एज कुड बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम एन अनवेड मदर। द कोर्ट अलाउड द क्लेम इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेज? ए अलोक बैनर्जी वर्सेज अतोषी बैनर्जी, बी बबीता गांगवे वर्सेज रामपाल गांगवे, सी डिम्पल गुप्ता वर्सेज राजीव गुप्ता, डी मीनाक्षी अम्मल वर्सेस करुप्पना पिल्लई। तो 38 का ऑप्शन हमारा सी करेक्ट है, डिंपल गुप्ता वर्सेस राजीव गुप्ता। 39 देखेंगे। विच सेक्शन ऑफ सीआरपीसी स्टेट्स दैट वारंट इश्यूड बाय अ मजिस्ट्रेट ऑफ इंडिया मे बी एग्जीक्यूटेड एट एनी प्लेस इन इंडिया? ए सेक्शन 57, बी सेक्शन 67, सी सेक्शन 77, डी सेक्शन 87। तो 39th का ऑप्शन हमारा सी करेक्ट है, सेक्शन 77 ऑफ सीआरपीसी। 40 देखेंगे। अंडर सेक्शन 320 क्लॉज 1 सीआरपीसी फॉर असॉल्ट और यूज ऑफ क्रिमिनल फोर्स विच सेक्शन ऑफ आईपीसी इज एप्लीकेबल? ए सेक्शन 351, 356, 342, बी सेक्शन 352, 355, 358, सी सेक्शन 342, 346, 325 एंड डी सेक्शन 355, 352, 353। तो 40 का ऑप्शन सी करेक्ट है। 41 देखेंगे। डिस्चार्ज ऑफ ऑफेंडर ऑन सबमिशन ऑफ एपोलॉजी इज कवर्ड अंडर? ए सेक्शन 339 ऑफ सीआरपीसी, बी सेक्शन 348, सी सेक्शन 388, डी सेक्शन 458। तो 41 का ऑप्शन बी करेक्ट है, सेक्शन 348 ऑफ सीआरपीसी। 42 देखेंगे। सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी रिमेन्स एप्लीकेबल एज लॉन्ग एज देयर इज नो डिवोर्स। द फैक्ट ऑफ डिवोर्स वुड हैव टू बी स्ट्रिक्टली अप्रूव टू इनवाइट द एप्लीकेशन ऑफ द 1986 एक्ट। दिस वॉज हेल्ड इन ए मोहम्मद जाकिर हुसैन वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार ए आई 2009, बी सैयद खान फौजदार खान वर्सेज जहेबा बेगम, सी अतासी रे वर्सेज श्री दीपक रॉय, डी इकबाल बानो वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी ए आई 2007। तो 42 का ऑप्शन हमारा ए करेक्ट है, मोहम्मद जाकिर हुसैन वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन 43। विच ऑफ द फॉलोइंग डील्स विद द समरी प्रोसीजर फॉर पनिशमेंट फॉर नॉन अटेंडेंस बाय अ विटनेस इन ओबीडियंस टू समन? ए सेक्शन 339 ऑफ सीआरपीसी, बी सेक्शन 287 ऑफ सीआरपीसी, सी सेक्शन 388 ऑफ सीआरपीसी एंड डी सेक्शन 350 ऑफ सीआरपीसी। तो 43 का ऑप्शन हमारा डी करेक्ट है। 44 देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग केसेज हेल्ड दैट देर इज नो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सेक्शन 107 एंड सेक्शन 145 ऑफ सीआरपीसी?
द वर्ड्स इन सेक्शन 145 आर मैंडेटरी वाइल द लैंग्वेज ऑफ सेक्शन 107 इज डिस्क्रिशनरी. ए बालाजीत सिंह वर्सेज भोजू के घोष, बी क्षमा चरण चक्रवर्ती वर्सेज काटू मंडल मुंडल, एंड सी काली किशन टैगोर वर्सेज अनंत सुंदर रॉय, एंड डी नन ऑफ द अबव. तो 44 का ऑप्शन ए करेक्ट है, बालाजीत सिंह वर्सेज भोजू घोष. 45 क्या है क्वेश्चन देखेंगे. विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड फॉर द राइट ऑफ पर्सन अगेंस्ट होम प्रोसीडिंग आर इंस्टीट्यूटेड टू बी डिफेंडेड. ए सेक्शन 265 ऑफ सीआरपीसी, बी सेक्शन 387 ऑफ सीआरपीसी, सी सेक्शन 305 ऑफ CRPC ऑफ सीआरपीसी, एंड डी सेक्शन 289 ऑफ सीआरपीसी. तो 45 का ऑप्शन सी करेक्ट है, सेक्शन 303 ऑफ सीआरपीसी. सॉरी, पावर ऑफ हाई कोर्ट टू कन्फर्म सेंटेंस और एनल कन्विक्शन इज प्रोवाइडेड अंडर. ए सेक्शन 350 ऑफ सीआरपीसी, बी सेक्शन 368 ऑफ सीआरपीसी, सी सेक्शन 365 ऑफ सीआरपीसी, एंड डी सेक्शन 289 ऑफ सीआरपीसी. तो 46 का ऑप्शन बी करेक्ट है, सेक्शन 368 ऑफ सीआरपीसी. 47 देखेंगे. सेक्शन 41 बी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड स्टेट्स दैट मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट अंडर शैल बी ए अटेस्टेड बाय एटलीस्ट वन विटनेस हु इज अ मेंबर ऑफ फैमिली ऑफ द पर्सन अरेस्टेड और अ रेस्पेक्टेबल मेंबर ऑफ द लोकेलिटी वेयर द अरेस्ट इज मेड, बी काउंटरसाइन बाय द पर्सन अरेस्टेड, सी ईदर ए और बी, एंड डी बोथ ए एंड बी. तो 47 का ऑप्शन हमारा डी करेक्ट है, बोथ ए एंड बी. 48 देखेंगे. अंडर सेक्शन 320 क्लॉज 1 सीआरपीसी फॉर नोइंगली सेलिंग और एक्सपोजिंग और पोजेसिंग फॉर सेल और फॉर मैन्युफैक्चरिंग पर्पज गुड्स मार्क्ड विद अ काउंटरफिट प्रॉपर्टी मार्क्स विद सेक्शन ऑफ आईपीसी इज एप्लीकेबल. ए सेक्शन 480, बी सेक्शन 486, सी सेक्शन 482, एंड डी सेक्शन 488. तो 48 का ऑप्शन हमारा बी करेक्ट है, 486. सॉरी. 49 देखेंगे. गारंटीज ऑफ विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज वायलेटेड बाय सेक्शन 95 ऑफ सीआरपीसी. ए आर्टिकल 19 1 सब क्लॉज ए ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बी आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सी आर्टिकल 19 1 सब क्लॉज जी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एंड डी नन ऑफ द अबव. 49 का ऑप्शन डी करेक्ट है. 50 देखेंगे. विच ऑफ द फॉलोइंग डील्स विद द प्रोसीजर इन केस ऑफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन. ए सेक्शन 350 ऑफ सीआरपीसी, बी सेक्शन 287 ऑफ सीआरपीसी, सी सेक्शन 365 ऑफ सीआरपीसी, एंड डी सेक्शन 370 ऑफ सीआरपीसी. आई होप ये क्वेश्चंस आपको आगे एग्जाम में हेल्प करेंगे. तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा. और आपको कोई भी क्वेरी है तो टारगेट फॉर आईक्यू पे आप कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हैं. ठीक है, थैंक यू सो मच.